सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। आज हम जो शेयरों के बारे में बात करेंगे वह IRBNL लिमिटेड और IRFC लिमिटेड, दोनों के दोनों रेलवे सेक्टर से बिलोंग करते हैं शेयर। और इन शेयरों के अंदर आपको सुबह तेजी बनते नजर आई और उस तेजी के बाद अब आप देखोगे स्टॉकों में गिरावट। RBNL के अंदर तो आपने देखा होगा अभी 10% के आसपास स्टॉक में तेजी बनी और फिर ऊपर के लेवल से आप देखोगे वह 1-2% के आसपास जो स्टॉक है वो टूट भी चुका है। 10% ये गया और 2% और डाउन गया है। तो आखिरकार क्यों हुआ ऐसा, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में और हमें करंट लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए। वैसे भी आप देखोगे भी IRFC की बात करें तो तकरीबन 1% के आसपास गिरावट में है और 6,68,00,000 की जबरदस्त वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम से स्टॉक लगातार भाग रहा है, ठीक है। 3-4 दिन से आप देखोगे स्टॉक में नॉनस्टॉप तेजी बनी और ये तेजी आप देखोगे ऊपर में 30+ निकल गई आज तो, ठीक है। और ये जो तेजी निकली है ऊपर में, इसी की वजह से आप देखोगे ये गिरावट हुई है। तो चलिए आपको चार्ट पर समझाते हैं क्या है पूरा मामला और हमें करंट लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे भी RVNL रेल विकास निगम के अंदर भी आपको अब 1.5% के आसपास करेक्शन देखने को मिल रहा है। 103.30 रुपये के भाव पर स्टॉक आया हुआ है। आप देखोगे स्टॉक ने सुबह बाउंड वीक हाई लगाया जो कि 114.70 रुपये है और 114 रुपये पर जब ये शेयर पहुँचा तब मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, हमारा पहला वीडियो, और उसके अंदर आपको क्लियर बोल दिया था कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है। आप देखोगे भी इसकी RSI MFI काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है दोनों के दोनों, और उन सब के चलते आप देखोगे स्टॉक में हैवी वॉल्यूम्स भी हमें देखने को मिली है। 13,06,00,000 के आसपास वॉल्यूम लगते नजर आई है। तो यहाँ से स्टॉक में जो गिरावट है वो भी हो सकती है। देखो ऊपर में जो टारगेट है स्टॉक का, हमारा पहला 110 रुपये का टारगेट था, वो स्टॉक ने अचीव किया। उसके बाद 120 रुपये का लेवल था, लेकिन ये थोड़ा रिस्की लेवल था, इसलिए मैंने आपको क्या बोला 110 रुपये का स्टॉक में स्टॉप लॉस लेकर चलोगे, ठीक है। तो आप देखोगे 114 के भाव से स्टॉक में जब टूटना स्टार्ट किया तो 110 पर आपका माल कट गया होगा, तो आपको जो ना भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद आप देखोगे स्टॉक टूटा है और ज़्यादा, तो 130 मिलियन की जो वॉल्यूम लगी है उसके अंदर आप देखोगे अभी सेलर्स काफ़ी ज़्यादा घुसे हैं, जिसके चलते आप देखोगे स्टॉकों में एक करेक्शन बनी। अभी आपको दिखा देते हैं, कल के दिन भी हमें बहुत बड़े बड़े सेलिंग्स ऑर्डर देखने को मिले, बल्क डील देखने को मिली और बल्क में आप देखोगे माल निकाला गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी RSI MFI की बात है तो 94 पर इसकी MFI है और 88 पर इसकी RSI है, तो ओवरबॉट जोन में स्टॉक पहुंच चुका है। तो काफी बड़े खतरे थे स्टॉक में ऐसे में ऊपर के लेवल से गिरावट के, तो वो हमें अब देखने को मिल चुकी है। यहां पर आप लोग देखोगे 25 तारीख को बल्क डील, उसके अंदर आप देखोगे कितनी हैवी क्वांटिटी में सेलिंग की गई थी, पहले बाइंग क्वांटिटी आप देखोगे उसके बाद स्टॉकों को सेल किया गया। यहां पर आप देखोगे 24 तारीख को भी हमें जो है ये बल्क डील देखने को मिली, वहां पर भी बाय सेलिंग, तो ये हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो निकाला जा रहा है ऊपर के लेवल से। तो चलिए अभी अब चार्ट पर समझते हैं इसका पूरा का पूरा माजरा क्या है, क्या स्टॉक और ज्यादा टूटेंगे या फिर यहां से हमारी जो पोजीशन है वो हमें शॉर्ट करनी चाहिए। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक हमें जो ना अभी 31.60 का हाई लगाते नजर आया IRFC, और ऊपर के लेवल से स्टॉक में ये करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी सेलर स्टॉक के अंदर ज़्यादा घुस चुके हैं। 1,54,00,000 के आसपास आपको जो ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं वो सेलिंग के लिए, और 60,000 क्वांटिटी जो ना अभी बाइंग के लिए लगी नजर आ रही है, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट बनी है। RVNL की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे RVNL ने 114.70 रुपये का हाई लगाया, हाल फिलहाल 2% के बिग फॉल पर दिखाई दे रहा है, यानी 102 रुपये के भाव पर आ गए हैं। 10% तो ऊपर वाला गया जो स्टॉक सुबह चला और 2% और टूट चुका है, तो 12% स्टॉक टूटा है। इन सब के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर कितने ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं, 96,00,000 के सेल ऑर्डर हैं और 91,84,000 के बाइंग। तो इतनी बड़ी जो सेलिंग आई है इसी वजह से आप देखोगे स्टॉक टूटा है, और सेलिंग क्यों आई है, क्योंकि स्टॉक के अंदर हुआ है प्रॉफिट बुकिंग, और इस प्रॉफिट बुकिंग के चलते अब आप देखोगे स्टॉक में ये करेक्शन बन रही है। तो ऐसे में इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 110 का जो ना भी आपको RVNL के अंदर स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, अगर आपने लिया है तो आपको जहाँ भी काफ़ी बेनिफिट्स उसके हुए होंगे। तो भाई अब जो शेयर है इनके अंदर हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस गिरावट को लेकर आपको परेशान भी नहीं होना। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उन्हें तो भाई देखो यहाँ से स्टॉक को सेल करना चाहिए शॉर्ट टर्म वालों के लिए, और जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक के अंदर बैठे हुए हैं उन्हें 84 का जो ना अभी स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। नीचे में 84 का स्टॉप लॉस रखिए और इसके अंदर बने रहिए क्वार्टर फोर के परिणाम आने तक। वहीं आप देखोगे IRFC की बात करें तो IRFC के अंदर भी आप देखोगे 28 रुपये का SL बन रहा है, ठीक है, 28 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चलो और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। गिरावट का जो सबसे बड़ा मेन रीजन है वो यहाँ पर होने वाली प्रॉफिट बुकिंग, उसी के चलते आप देखोगे एक खबर भी आई है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो रेल विकास निगम लिमिटेड जो शेयर है वो सर्ज ओवर 40% इन 4 डेज। तो 4 दिन में 40% प्लस स्टॉक चला है। इन इट्स टाइम, आप देखो, इज इट टाइम टू प्रॉफिट बुक्स, आप देखोगे जो प्रॉफिट्स है वो बुक करने के लिए ये टाइम बोला जा रहा है। ये हमें अपडेट देखने को मिली है सुबह सुबह, तो काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो ये आर्टिकल छपा है मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, इसका भी आप देखोगे स्टॉक के ऊपर असर होगा, क्योंकि पब्लिक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए चली है। ठीक है, तो अब स्टॉक के अंदर आपको जो है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लो। आई होप आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।